वैश्वीकरण और निजीकरण के विरोध में कल देश भर के लगभग 7 लाख से अधिक बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। उल्लेखनीय है कि इस हड़ताल में विदेशी बैंकों के कर्मचारियों के साथ बीमा कर्मी भी शामिल थे। विदेशी बैंक में काम करना है मेरा, उसके अंदर मैं वहाँ काम करता हूँ, उसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। हम उसके अगेंस्ट नहीं है कि इस किस्म की कोई चीज़ हो, लेकिन ये एक देश से रिलेटेड चीज़ है, क्योंकि जैसे हमारे बैंक विदेशों के अंदर है, विदेशों के बैंक हमारे अंदर है, लेकिन हमारे बैंकों के ऊपर वहाँ रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। हमारे बैंकों को इतने प्रॉफिट वहाँ नहीं होते जितने विदेश के बैंकों को यहाँ प्रॉफिट होते हैं। आज की जो 11 मई की हड़ताल हमारे देश में है, सारे सार कंट्रीज के अंदर इस ग्लोबलाइजेशन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे WFTU की जो 14वीं कॉन्फ्रेंस हुई है 25 से 28 मार्च तक, उसका फैसला है कि पूरे सार कंट्रीज के अंदर, सब कंट्रीज के अंदर जो है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है। बैंक कर्मियों ने मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग, निजीकरण प्रबंध तंत्र और देश के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों द्वारा लिए गए 58,000 करोड़ रुपए की ऋण वसूली नहीं किए जाने का विरोध किया। आज 58,000 करोड़ रुपए जो बैंकों का है, जिसके लिए हमने जुलूस निकाला है, वो पैसा किसी ऑर्डिनरी आदमी के पास नहीं है। हमें मालूम है अगर किसी छोटे किसान के पास कोई पैसा, उसने लोन लिया हो, छोटे किसी आदमी ने बैंक से लोन लिया हो, उसकी रिकवरी करने के लिए तो पुलिस लेके पहुंच जाएंगे, कुटकी कर लेते हैं, लेकिन जो इस पैसे को खा के बैठे हैं उनके तो नाम भी डिक्लेयर नहीं करते। बैंक कर्मियों की हड़ताल का समर्थन देश के प्रमुख श्रमिक संगठनों ने भी किया। हड़ताल का आयोजन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी आइपका ने किया था।